सर्विस होगी निशान कैप्टन आजम का तैयार। डिफेंडर भाई श्रेयांश बिखेर कर रख दिया यहां इस ब्लॉक के जरिए सल्लभ और इस मरतबा 50 किलो से ज्यादा का वजन दिया था सरेआंश ने। एक बराबर दो एक आकार फाइव टू सम और फिर यहां पे औसैद मरतबा दबाए गए सईद आलम दबाए गए मास के द्वारा सईद और उस तरह से स्कोर बोर्ड तरह से पीछे हो जाए स्कोर आसान थोड़ा पीछे हो जाओ कुर्सी पीछे कर लो और फिर यहां दो बराबर पहले वह बराबरी का मुकाबला असलाम खान शिबली काली ये जाने वाले थे लेकिन अब मुकाबला देखने के बाद रुक गए होंगे। जबरदस्त मुकाबला चल रहा है और फिर यहां पे मोहनी दिश्ती वाह मोहनी दो बराबर सर्विस हो रही है छतवारा की तरफ से और एक मरतबा फिर से मिस्टर माज अहमद कामयाब रहे अपने इस मिशन में। फिर से मोहनी चिश्ती को दबाया गया लेकिन यहां पे टच आउट कराने में कामयाब रहे सर्विस सिद्ध बड़ा प्यारा मुकाबला चल रहा है अल्लामा शिबली नोमानी मेमोरियल नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का ये सेमीफाइनल मुकाबला। बहुत प्यारा बचा मास का और ये राफे रही राफे और पलट पड़ गए ना खत्म और फिर यहाँ पे दो टीम और यहाँ पे सर्विस के जरिए पर्सनल पॉइंट हासिल किया जीशान ने तीन बराबर डिफेंडर वाइस श्रेयांश आधार में सवाल आओ शायद और सईद का ड्रॉप तीन बराबर पहला सेट फेवर आप छतवारा दूसरा सेट तीन बराबर और फिर यहां पे कामयाब रहे सईद के कलाइयों को बोसा देने के बाद बाल जमीन पर डाउन नजर आई और ये श्रेयांश अति सुंदर प्रयास अरे जुगुनुआ का अमीर था ना बोने अरे सर दिया होगा मेरा तो जिंदगी जुआ है।
सैयद और ये सरियांश। कामयाब रहा सरियांश का यह हमला 4-3। बिंदवल टीम अगर जीतेगी तो यहां बिंदवल माफ कीजिएगा आजम का टीम जीतेगी। कैफ खान की तरफ से 1000 रुपए की इनाम। टीम 5 सर्विस पर जीशान और ये आउट किया सर्विस के जरिए 5-3। तो शुक्रिया नेशनल स्पोर्ट लाइव और शुक्रिया आतिफ स्पोर्ट लाइव, शुक्रिया मुर्शिद वालीबॉल। पूरे यहां पे मास आदमी टीम 5 कभी 5-3 कभी 3-5 इसी तरह से मुकाबला अपनी मंजिल मकसूद पर धीरे धीरे जाता हुआ। और ये ऑफसाइड कामयाब इनका रहा यह है 5-3 पर सर्विस एक मरतबा फिर से छतवाड़ा के फेवर में। अरे देखते ना इतना भारी केटल मिला होगा हमसे। देख देख कितना भारी है। राफे रईस बड़ी देर के बाद कामयाब। ना फेंके यार 4-6। यहाँ पे 5-6 फिर से मुकाबला अपनी मंजिल पर। अशरफपुर टीम जहां भी हो कमेटी बास के पास आ जाए। अशरफपुर टीम तोरियादान है मुंगनी तोरियादान डिफेंडर भाई सईद हुसैन और ईशान जब तक वहां पहुंच पाते तब तक गेट डाउन। सर्विस जीशान बहुत ही प्यारा बचाओ यहां पे राफे के लिए मार्क बहुत ही अच्छा बचाव शोएब और अरमान। सात-5 5-7 कब और फिर यहां जीशान राफे रईस 7-7 और ये 7-7 पे सर्विस चेंज। लेकिन यहां मोगनी के शरीर दबाए गए। मोगनी का बड़ा अच्छा ब्लॉक रहा 8-7 सर्विस अतहर की सवाल आ रेहान ने शोए लेकिन नेट की बाहों में उलझते नजर आए। माइनस बॉल लेकिन यहां पे सरियांश हाथ लगाया लेकिन गेंद बहुत दूर चली गई 7-9।
जान आई अगर ये सेट बिंदवल बाकी जगह आजमगढ़ अगर जीत जाएगी तो फिर उसके बाद ये तीसरा सेट होने वाला है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आजमगढ़ की टीम यहां पूरी तरह से अपने आप को शो करेगी। 9-7 अरे बहुत बड़ा सेटर है, बहुत बड़ा समीर फेल। फर्स्ट टाइम आउट उस टैगर भाई शुक्री कॉलेज आजम और उस तरह से 7-10 पे सर्विस से एक मौका मिला है शिवली कॉलेज आजमगढ़ को। सईद ने संभाला, मोगनी आए और मोगनी का बड़ा जोरदार हिट, इस खिलाड़ी को रोकना जरा मुश्किल। 10-7 सर्विस पर आता है सवाल आवाज ने और पुलिस आवाज10-7 सर्विस से सर्विस पर दिशांत बाबा के मुंह मार दिए। नॉर्मल सर्विस रिसीव किया यहां अरमान ने, वाओ यहां पे लेकिन यहां कामयाब हाथ, बड़ा सुंदर अटैक रहा यहां मास का कि सारी दुनिया की निगाहों का भ्रम तोड़ दिया, तेरी तस्वीर बनाते ही कलम तोड़ दिया। फिर यहां पे सईद आलम कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पाएंगे रास्ता हो जाएगा, अपना रास्ता बनाने की पूरी कोशिश करता हुआ एक खिलाड़ी। 10-7 बहुत ही लाजवाब टॉर्मेंटल अटैक भाई मिस्टर माज अहमद। 7-10 अरे मुगनी मार गए ना टप्पा, 50,000 रुपया है सर मार जाल के रात हो जा। फिर यहां मोहनी चिश्ती, एक और पॉइंट मोहनी ने अपने नाम किया। 11-7 12-7 नासरों पे हाथ पिक चलाए बड़ा अच्छा डिफेंस रहा सईद का और फिर मास फिर यहां पे सरेआंश
फिर दिशांत, फिर माज, ये तीसरी मरतबा लेकिन इस बार दबाए गए। सेकंड एंड लास्ट टाइम आउट इज टेक। चौदह साल ना कैप्टन मेरी गेम पॉइंट। फिर यहाँ टच आउट। हम अपनी एडो जलवा पार कर दे जल्दी से। फिर यहाँ मोहनी चिश्ती।